आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम कुंडलिनी जागरण सीरीज में बात करेंगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र कहाँ स्थित है, इसे कैसे जागृत किया जा सकता है और इसके जागृत होने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। अनाहत चक्र का जो स्थान है वो हमारा हृदय भाग है। हृदय की गुहा में अनाहत चक्र की शक्ति काम करती है और इससे पूरा बॉडी कनेक्टेड रहती है। इस ऊर्जा से आपका पूरा जीवन कनेक्टेड रहता है। आपके भीतर जो संवेदनाएं होती हैं वो अच्छी या बुरी, उसका पूरा जो कनेक्शन है वो अनाहत चक्र से ही संबंध रखता है। अनाहत चक्र के जागृत करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है? अनाहत चक्र के जागरण से आपके जीवन में प्रेम घटित हो जाता है। आप निर्जीव सजीव सब के प्रति एक प्रेम का भाव रखने लगते हैं और आपके जीवन में एक संपूर्णता का एहसास होने लगता है। आप एकत्व के भाव में स्थिर होने लगते हैं और जीव निर्जीव पशु पक्षी सब के प्रति आपका एक भाव सम हो जाता है और आप उस मधुरियता का आनंद लेने लगते हैं जीवन में। आपके भीतर से भय समाप्त हो जाता है, आप निर्भयता की तरफ आगे बढ़ते हैं। चाहे कोई हिंसक पशु हो या अहिंसक, किसी भी तरह का सबके प्रति आपका एक भाव प्रेम का भाव आ जाता है। तो ऐसा लक्षण अनाहत चक्र के जागृत होने से होता है। अब इसे जागृत कैसे करते हैं? अनाहत चक्र के जागरण को करने के लिए हम साधारण सी विधि में आपको बताता हूँ। ओम में ऊ की ध्वनि को उत्पन्न कर, जब हम ओम बोलते हैं तो अ ऊ और म, ये तीन ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस का जो बीज मंत्र है वो है ऊ। ऊ की ध्वनि को आप लंबा करेंगे तो आपका अनाहत चक्र प्रभावित होगा। वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वहाँ की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की ओर सहस्रार की ओर बढ़ने लगेगी और कुंडलिनी जागरण में आपकी सहायक होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से आप अद्भुत हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर कुछ बहुत विशेष शक्तियाँ काम करने लगती हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने आप को संतुलन में बनाए रखते हो। तो अनाहत चक्र पर आप ज़रूर काम करें। प्राण साधनाओं की कुछ विशेष विधियों के द्वारा भी अनाहत चक्र को जागृत किया जा सकता है, लेकिन वो विधियाँ सब गुरु के सानिध्य में ही की जानी चाहिए। चक्रों को लेकर जो भ्रम है उस पर अलग अलग मान्यताएँ, हम केवल अपने अनुभव की ही बात करते हैं। अब वही आपको अनुभूति मैं आपको शेयर करता हूँ जो मैंने स्वयं की है। तो आप भी करें और अपने चक्र जागरण को आगे बढ़ाएं, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और मोक्ष की ओर आगे बढ़ें, जीवन का परम आनंद प्राप्त करें। आप खुश सुख रहें, आप सभी प्रसन्नचित रहें, आप सभी आनंदित रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र पर। आप सबको मेरा नमन। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।